नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम एक दूसरे को बहुत प्यार से याद करते हैं, एक दूसरे का बहुत प्यार से इंतज़ार भी करते हैं कि कब हमारी मुलाकात होगी। एक दूसरे की याद आते ही मन प्रसन्नता से भर जाता है और साथ ही साथ वो प्रेरक सुंदर बातें भी याद आती हैं जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वैसे अभी ये एक तरफा है, लेकिन जब कभी भी हम मिलते हैं एक दूसरे से टेलीविज़न के बाहर, तब तो एक दूसरे की बातें साझा करते ही हैं और साथ ही वो सुंदर बातें हमें याद भी रह जाती हैं। मित्रों, याद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब कभी भी हम याद की बात कहते हैं तो दो प्रकार की यादें होती हैं। एक, जब किसी की याद आती है तो मन खिन्न सा हो जाता है, तकलीफ से भर जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें तकलीफ दी है, दुख दिया है या परेशान किया है। और दूसरी याद जब आती है तो मन खुश हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने, परिस्थितियों ने, बातों ने हमें सुख दिया है, आनंद दिया है। मित्रों, हमें देखना है कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। मेरी जब याद आए किसी को तो वो सुख देने वाली हो या फिर उनके मन को खिन्न करने वाली हो। निश्चित रूप से हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे बोल बोलने चाहिए, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि जब कभी भी वो मुझे याद करे तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, सुकून से भर जाए, जैसा कि हम एक दूसरे को जब याद करते हैं तब होता है। तो आइए मित्रों, इसी सुंदर भाव के साथ, प्रेरणा के साथ कि हम हमेशा ही औरों को सुख देंगे, चलते हैं आज के सुंदर प्रेरक सुवाक्य की ओर। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि यह उसका बड़पन है। खामोशी एक शक्ति है। आवाज में रहना आसान है, लेकिन आवाज से परे जाने की शक्ति को ही खामोशी कहते हैं। खामोशी में शांति की शक्ति समाई हुई होती है, क्योंकि जो शांत रहता है वो परिस्थितियों को परखना जानता है। कोई भी परिस्थिति में एक शांति प्रिय इंसान को कमजोर समझना उचित नहीं है, इसीलिए क्योंकि जब कोई शांत रहता है वो उसका बड़प्पन होता है, दूसरों को सम्मान करने का उसका एक तरीका होता है। इस तरह औरों को अपनी मत प्रस्तुति का एक प्रयास वो प्रदान करता है। कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर जवाब देना तो आसान है, लेकिन खामोश इंसान अपने अंदर सब कुछ समा लेता है और शांति से परिस्थिति को ठीक करता है, इसलिए वो सम्मान का हकदार होता है। मित्रों, किसी महापुरुष ने एक बात कही है, बहुत ही गहन है, कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि पुण्य का खाता कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और एक बड़े राजा को भी हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने की नौबत आ जाती है। कर्म इतने प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, इसीलिए कभी भी हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हमारे कर्म दुख देने वाले ना हों, लेकिन पुण्य कर्म हो, सुख देने वाले कर्म हो, क्योंकि कर्म से कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। जो किया गया है उसका फल ज़रूर मिलता है, इसीलिए क्यों ना हम पुण्य कर्म ही करें, अच्छे कर्म ही करें, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य सुखदायी हो। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ कि हम कर्मों की इस महीनता को, इस महानता को और गहनता को ध्यान में रखेंगे, इस बात को अपने जीवन में समाते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर आप सब जानते हैं, लगभग 100 में से 30 लोगों को आज एडल्ट में, वयस्क लोगों में हाई ब्लड प्रेशर रहता है। दोस्तों, 95% लगभग 90 से 95% जो है ब्लड प्रेशर यूजली एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जिसमें हमारी जीन्स का रिलेशनशिप रहती है। हालांकि उसमें और भी चीज़ों का कनेक्शन रहता है, बिकॉज हाइपरटेंशन इज मल्टीफैक्टोरियल, पर जेनेटिक भी थोड़ा इफेक्ट रहता है। और इसेंशियल माना हमारे अंदर, जैसे एक अंदर से ही ऐसा मैकेनिज्म बॉडी के बन जाते हैं जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। एक दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें यूजली कहाँ जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, जैसे स्पेशली किडनी है, अगर किडनी की बीमारी की वजह से, किडनी अगर हमारी ख़राब हो जाती है
किसी कारण से डायबिटीज के कारण या कोई मेडिसिन हमने कैसी दवाई खा ली है, कोई आयुर्वेदिक दवाई को ऐसी भस्म है जो, या कुछ ऐसे मेटल्स होती हैं वो हमारी किडनी को डैमेज कर देती हैं, तो ऐसे किसी कारण से मेरी किडनी खराब होती है, तो दोस्तों किडनी की डिजीज से हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है दोस्तों। और अगर हमारी जो किडनी की ब्लड सप्लाई है, वेस्कुलर सप्लाई जिसे कहते हैं, ब्लड जो किडनी की आर्टरीज होती हैं, जो दो आर्टरीज राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों। और कुछ हमारी बीमारियां जैसे हार्मोनल डिजीज होती हैं, उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर एक एसेंशियल हाइपरटेंशन के अलावा इससे बढ़ सकता है। कि तो ये ट्रीटेबल है, सपोज आपकी किडनी की आर्टरी बंद हो गई है तो उसको, आप किडनी की आर्टरी अगर आप खुलवा लें, उसको अगर एंजियोप्लास्टी कर लें, स्टेंट कर लें, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है दोस्तों। किंतु किडनी खराब है तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लें तो आपका ब्लड प्रेशर एक दिन नॉर्मल हो सकता है। ऐसे जो भी अगर प्राइमरी डिजीज है और उसके कारण से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, उसका इलाज करने से आपकी जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। पर भी दोस्तों याद रखें, जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है, अपना पूरा डायग्नोसिस कराएं, और डायग्नोसिस करा करके उसका प्रॉपर समय पर जो दवाइयाँ डॉक्टर बताते हैं या उसका जो इलाज है उसको प्रॉपर ढंग से करेंगे। क्योंकि हाइपरटेंशन जो एक साइलेंट किलर है, इससे हमारी आंखें भी ख़राब होती हैं, इससे हमारी किडनी भी ख़राब होती है, हार्ट की तो हार्ट अटैक तो 3-4 गुना बढ़ ही जाते हैं, और भी हमारी जो है बॉडी हमारी आंखों के अंदर हेमरेज हो सकता है, तो ये बीमारी, और इससे स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो दोस्तों इससे बचें और इसका सही समय पर निदान और इलाज करें। ओम शांति। मित्रों, जैसे मैले पानी की बाल्टी में साफ पानी डालते रहने से उसका मैलापन दूर हो जाता है और एक समय आता है कि बाल्टी में केवल साफ पानी ही रह जाता है, वैसे ही अपने मैले मन में भी, नकारात्मक मन में भी यदि लगातार हम सकारात्मक विचार डालते रहते हैं तो मन की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और एक समय आता है कि मन पूरी तरह से सकारात्मक और स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि कोई भी स्थान पर कोई भी एक ही चीज़ रह सकती है, या तो वो मैलापन रहेगा या स्वच्छता रहेगी, या तो नकारात्मकता रहेगी या फिर सकारात्मकता। तो क्यों ना हम लगातार सकारात्मक भावों से अपने आप को भरते चलें, विचारों को भरते चलें, ताकि मन की जो नकारात्मकता है, बुराइयां हैं, वो दूर होती चलें। और यही कार्य सबरंग कार्यक्रम में हम लगातार करते हैं, आप तक अच्छे अच्छे विचार पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपका मन हमेशा ही सुंदर और श्रेष्ठ भावों से भरा रहे, क्योंकि यही जीवन को उज्जवल बनाता है। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ चलते हैं अपने सुंदर अगले सेगमेंट की ओर। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। द लाइट मूवी, मैं यहाँ आने पर मूवी का नाम सुना तो जैसे ही लगा कि लाइट जो मूवी है क्या चीज़ होना चाहिए, फिर अंदर में करीबन मैं मूवी का द लाइट मूवी करीबन 40 मिनट देखा, मुझे एहसास हुआ कि जो ब्रह्म है, जो शक्ति है, जो लाइट है, ये हमारे बाबा ब्रह्म पास जो आती है, उनके जीवन पे आधारित मूवी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत कम खर्चे में ये जो मूवी बनी है बहुत अच्छे तरीके से बनी है। आज के समय में इस तरह से मूवी हमारे भारतीय समाज में या विश्व में इस तरह से मूवी जो भी बनाए हैं उनके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ। आप संस्था को बहुत बहुत आभार। मित्रों, दूसरों में कितनी बुराई है इसका अंदाज़ा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद में कितनी बुराई है इसका अंदाज़ा लगाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लाभ इस बात में है कि हम इस बात में परिश्रम करें, इस बात का अंदाज़ा लगाएं, इस बात की चेकिंग करें कि खुद के अंदर कितनी बुराइयां हैं।
क्योंकि औरों की बुराइयों को देखकर तो आपका मन खिन्न ही होगा, आप नेगेटिव ही होंगे और दूसरों से नेगेटिव ही वर्णन करेंगे और उससे कोई लाभ भी नहीं होगा, ना तो उस व्यक्ति को और ना ही स्वयं को। जबकि यदि हम खुद के अंदर की बुराइयों को देखें और उसे दूर करने का प्रयास करें तो इससे स्वयं को लाभ होगा और औरों को भी। और अध्यात्म के माध्यम से ये दृष्टि सहज प्राप्त हो जाती है मित्रों, कि कैसे हम अपनी कमियों का अंदाज़ा लगाएं और न केवल अंदाज़ा बल्कि उसे दूर भी कैसे करें। और यही सुंदर कला अध्यात्म के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से ब्रह्म कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व के सभी धरोहरों, इतिहास, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। और हमारा देश भारत तो इतिहास और कला साहित्य से परिपूर्ण ही है, और ऐसा ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित भोजपुर जिले में ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस के भाई बहने विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में भारत के अनमोल धरोहर भोजपुर शिवलिंग मंदिर पहुँचे। इस मौके पर बी के डॉक्टर रीना दीदी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध विरासतों में से एक भोजपुर का यह भोलेनाथ शिव भगवान का मंदिर है, जिसका निर्माण बेतवा नदी के किनारे किया गया है। इस दिवस के प्रति ब्रह्मा कुमारीज ने सभी को जागृत किया और कुछ देर संगठित रूप से राजयोग मेडिटेशन द्वारा शक्तिशाली प्रकंपन भी फैलाए। मित्रों कहते हैं, जो कह दिया वो शब्द थे, जो न कह पाए वो अनुभूति थी, और जिसे कहना था लेकिन नहीं कहा वो मर्यादा थी। सचमुच कितना गहन है ये वाक्य। बोलते तो हम सभी हैं और शब्दों के माध्यम से ही हम एक दूसरे तक अपने भावों को पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं यदि ना कहे जाएं तो अनुभूति का रूप ले लेते हैं। कई ऐसे भाव होते हैं जो हमें गहराई की ओर लिए चलते हैं। और तीसरी बात ये कि कई बार जो कहा जाना है उसे हम नहीं कहते हैं, वो भी एक मर्यादा का रूप ले लेती है। और कई बार अमर्यादित शब्द आपने देखे होंगे बहुत बड़ी कलह के कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों को भी बहुत सोच समझकर चुनें और बोलें, क्योंकि यही संबंधों का आधार बनते हैं, यही जीवन का निर्माण करते हैं, यही या तो हमें शिखर पर पहुंचा देते हैं या फिर शिखर से नीचे भी गिरा देते हैं। इसीलिए शब्दों का बहुत ही सुंदर चयन करें ताकि हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे की ओर ही बढ़ते रहें। तो मित्रों आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के इस दिवस का, आज के इस सुंदर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लेते रहें और औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनते चलें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।